हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेनारी और आज हम बात करेंगे क्लास 12th की क्वार्टरली एग्जामिनेशन 2022-23 के इंग्लिश के पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। यानी हम आपको यहाँ पर कक्षा 12वीं के अंग्रेजी के पेपर के सॉल्यूशन को बताएंगे। तो फर्स्ट में देखिए आप सेक्शन ए रीडिंग, आपको एक कंसेंट पैसेज आया था और आपको 10 क्वेश्चन आए थे, 10 क्वेश्चन के आंसर लिखना था। आई होप आपने अच्छा किया होगा, इस पैसेज को पढ़ा। पढ़ने के बाद हमने क्या जाना कि एक जो व्यक्ति है, हमारा जो लेखक है, वो कहीं इंतज़ार कर रहा है, उसके लगेज को लेने के लिए कहीं जाता है काउंटर पर। उसके पास पर्याप्त समय है, वो कुछ मैगजीन खरीदता है और उनको पढ़ना शुरू करता है। और जब वो लगेज लेने जाता है तो वो क्या देखता है कि उसकी जो रिसिप्ट है यानी जो रसीद है, वो उसके पर्स में नोटों के बीच में फंस जाती है। और वो किसी है ना व्यक्ति को जो वहाँ पर काम करता है, उसको बोलता है कि यार मेरे पास रिसिप्ट नहीं है, रसीद नहीं है। लेकिन अंत में उसको जब वो पर्स खोलता है तो उस पर्स में से ही वो रिसिप्ट निकलती है। उसके पहले बहुत ज़्यादा ड्रामा उसके साथ हो जाता है। तो एक जो है अनफॉर्चुनेट कंडीशन में फंस जाता है लेखक उसके बारे में। तो देखिए पहले यहाँ बात करेंगे हम, फर्स्ट क्वेश्चन है द राइटर हैड प्लेंटी ऑफ टाइम टू स्पेयर बिकॉज। लेखक के पास जब वो वहाँ पर जाता है काउंटर पर, तो उसके पास बहुत सारा समय रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि वहाँ पर ही हैड अराइव्ड एन आवर अर्लियर, एक घंटे पहले वहाँ पर पहुँच जाता है। द राइटर नीडेड द रिसिप्ट, राइटर को रिसिप्ट की आवश्यकता क्यों थी? क्यों थी भैया? क्योंकि वो क्या करना चाहता था? टू क्लेम हिज सूटकेस, उसके सूटकेस को क्लेम करना चाहता। क्लेम का अर्थ ये होता है कि उसको सूटकेस लेना था। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। द राइटर फेल्ट फुलिश बिकॉज, अब राइटर को अंत में बड़ा ही है ना फुलिश फील होता है, मतलब ऐसा लगता है मैं मूर्ख बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि उसको क्या नहीं मिल पा रहा था? ही हैडेंट रियली लॉस्ट हिज रिसिप्ट एट ऑल, क्योंकि उसने उसकी जो रसीद थी वो खोई नहीं थी, उसको अंत में उसके पर्स से मिलती है। तो ऐसा समझता है कि यार मैं तो मूर्ख बन गया। तो देयर वेयर नॉट पीपल वेटिंग एट द लगेज ऑफिस, लगेज ऑफिस में वो जाता है तो वहाँ पर है ना बहुत सारे लोग नहीं थे, लॉट्स ऑफ पीपल नहीं थे, बहुत ही कम लोग थे। विच ऑफ दिस इज सिमिलर इन द मीनिंग ऑफ द फ्रेज रोट देम डाउन, रोट देम डाउन का अर्थ क्या होता है? तो मैड एंड नॉट ऑफ देम, उनको लिख लेना। द राइटर फाउंड द रिसिप्ट, राइटर को रिसिप्ट कहाँ पर मिलती है? तो नेस्टल्ड विद द मनी इन हिज वैलेट, उसका जो पर्स था उसमें नोटों के बीच में फंसी हुई मिलती है। अगला है द राइटर टुक आउट हिज वैलेट द फर्स्ट टाइम, पहली बार अपना वैलेट कब निकालता है? कि जब वो मैगजीन खरीदना चाहता है, तो क्या बाय सम मैगजीन्स। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे। चलिए द राइटर है ना, ठीक है, आठवां है द असिस्टेंट आस्कर द राइटर टू मेक ए लिस्ट ऑफ द कंटेंट टू, जो असिस्टेंट होता है वो राइटर से कहता है कि आप वो सामान की जो है कंटेंट की लिस्ट बनाइए। तो लिस्ट क्यों बनाने के लिए बोलता है वो? क्योंकि एजर्शन हिज ऑनरशिप ऑफ द कैश, ताकि वो बता सके कि मेरा ये जो सूटकेस है उसमें ये सामान है, तभी तो उसको रियलाइज होगा कि सही बोल रहा है। नौवां है आई एक्सप्लेन द सिचुएशन सोरोफुली टू द असिस्टेंट, मीन्स मैंने सिचुएशन को बहुत ही दुखी मन से जो है असिस्टेंट को बयां किया, इसका अर्थ क्या होता है? तो विथ ग्रेट डिस्ट्रेस द राइटर एक्सप्लेन हिज अनफॉर्चुनेट सिचुएशन टू द असिस्टेंट, है ना। और लास्ट क्वेश्चन है इन द पैसेज सिचुएशन मीन्स, सिचुएशन का अर्थ क्या होता है? तो कंडीशन होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये 10 क्वेश्चन में से कम आप 8 या 9 तो सही करके आए होंगे, क्योंकि हमने पहले भी बहुत सारे वीडियो आपको पहुँचाए थे है ना इंग्लिश की तैयारी के लिए। ठीक है, यदि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल के माध्यम से आपको अच्छा कंटेंट मिलता रहेगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन था, आपको ये पैसेज पढ़ना था और उसके क्या करने थे, नोट्स बनाने थे, टाइटल लिखना था। आई होप आप ये करके आए होंगे, क्योंकि नोट मेकिंग का वीडियो भी मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया था। ठीक है, चलिए सेक्शन बी की बात करें। सेक्शन बी में आपको कुछ है ना एडवर्टीजमेंट नोटिस रिपोर्ट आए थे, तो पहला देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 में आपको क्या करना था कि यू आर एस राजन बड़वानी, आप एस राजन है बड़वानी में रहते हैं, आप यू वॉन्ट टू लेट यूर फ्लैट, आप अपना जो फ्लैट हो किराए से देना चाहते हैं, राइट आउट एन एडवर्टीजमेंट टू द पब्लिश्ड इन द क्लासिफाइड कॉलम ऑफ न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर के क्लासिफाइड कॉलम में आपको ये इश्तेहार देना है कि भैया मेरे यहाँ पर जो है मैं किराए से अपना फ्लैट देना चाहता हूँ। ठीक है, इसके अथवा आपको करना था कि यू आर ऐश्वर्या पटेल, ऐश्वर्या पटेल है 12वीं क्लास में पढ़ती है गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल देवास में। यू हैव फाउंड अ बैग, आपको एक बैग मिलता है इन द स्कूल प्लेग्राउंड, स्कूल के प्लेग्राउंड यानी खेल के मैदान में। प्रिपेयर ए नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड इन्फॉर्मिंग अबाउट दैट बैग, आपको क्या करना है स्कूल के नोटिस बोर्ड के लिए एक नोटिस तैयार करना है जिसमें आप इन्फॉर्मेशन दे सके मेरे को ये ऐसा कलर का बैग मिला है ना, इसमें ऐसी किताबें हैं वैसी किताबें हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको लिख के देनी। तो एक नोटिस करना था। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट और नोटिस दोनों एक दूसरे के अथवा में आए थे। अगला क्वेश्चन है राइट अ लेटर, आपको क्या करना था? राइट अ लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट अबाउट द नॉनसेंस ऑफ द लाउड स्पीकर इन योर एरिया एंड रिक्वेस्ट हिम अबाउट योर प्रिपरेशन फॉर द अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन। आपको क्या करना था, आपके एरिया में जो है ना
लाउड स्पीकर ये वाला तो मैंने रात को ही पहुंचाया था। लाउड स्पीकर का जो यूज़ होता है और आपकी परीक्षाएं बहुत पास हो आ गई है तो आपको बहुत तकलीफ है इस चीज़ से, तो आपको क्या करना था, आपके कलेक्टर को एक पत्र लिखना था। इसके अथवा हम आपको, प्रवीण महाजन है आप और रेसिडिंग 23 जानकी नगर इंदौर में रहते हैं, राइट ए लेटर टू फ्रेंड जयदीप, आपको जयदीप को फ्रेंड को जो है पत्र लिखना है डिस्क्राइबिंग हिम अबाउट योर प्रिपरेशन फॉर द अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन, कि आप आगे आने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं, इसके बारे में आपको आपके मित्र को पत्र लिखना था। ठीक है, तो ये हो गया आपका तीसरा और चौथा क्वेश्चन। पांचवें क्वेश्चन में आपको क्या करना था, से नो टू पॉलीथिन बैग्स के ऊपर एक रिपोर्ट तैयार करनी थी, और ये भैया मैंने बहुत ही अच्छे से बनाई है अपने चैनल के ऊपर, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। इसके अथवा में आपको एक पोस्टर तैयार करना था यू अगेंस्ट द यूज ऑफ ड्रग्स, है ना, ड्रग्स का यूज नहीं करना, ये भी एक पोस्टर था, तो ये भी मैंने ऑलरेडी आपको भेजा है, तो आप चाहें तो आराम से वहां पर देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में जाएंगे आपको रिपोर्ट है ना और पोस्टर मिल जाएंगे आराम से। चलिए सेक्शन सी की बात करें तो आपको क्या करना था, ग्रामर में ही सेड दैट ही कम द नेक्स्ट डे, तो अब यहाँ पर सेड है, इसे समझ जाओ कि पास्ट की बात हो रही है, जब भी पास्ट की बात होगी तो विल और मे तो हो नहीं सकता, क्या होगा, वुड होगा। ही कैन राइट विथ, वहाँ लिख सकता है आइदर, है ना, आइदर द हैंड यानी कि दोनों ही हाथों से, द डॉग माई यंगर ब्रदर, अब क्या होता है देखिए बड़ा ध्यान से, अच्छा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये, कि डॉग है उसने मेरे भाई को काट लिया। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो बाइट है ना, और ये बीट है और ये बीटन है, तो ये फर्स्ट सेकेंड और थर्ड फॉर्म है। अब ये पास्ट इंडिफिनिट का वाक्य है तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, बी आई टी, बीट आना चाहिए, यानी कि सेकेंड फॉर्म आएगी। लेट मी कम इन, मुझे अंदर आने दो, आई विल ब्रेक डाउन द डोर, अन्यथा मैं क्या कर दूंगा, डोर एंड दरवाजा तोड़ दूंगा, तो एल्स, ठीक है। दिस इज डिफरेंट दैट, तो दिस इज डिफरेंट क्या आएगा, देन दैट, है ना, देन आएगा इसमें, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट, है ना, यहाँ पर क्या आना चाहिए, मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज हूँ तो मैं बता दूँ आपको, इसमें क्या आना चाहिए, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट, है ना, फ्रॉम आना चाहिए इसमें, कुल मिला के फ्रॉम ही आना चाहिए, है ना, देन नहीं आना चाहिए। ओके, वेयर इज बुक दैट यू बॉट यस्टरडे, ये वो बुक है जो तुम कल लाए थे, तो दिस इज द बुक, द बुक यानी कि ये जानी पहचानी, तो जब भी हमारे पास कोई हमारा नाउन जाना पहचाना परिचित हो तो हम हमेशा द आर्टिकल का यूज करते हैं, तो द आएगा इसमें। चलिए बात करते हैं हम डूएस डायरेक्टेड के बारे में, एनी फाइव आपको करने थे, ही विल कम टूडे, आई एम श्योर ऑफ इट। अब इसको क्या करना था, कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस इन टू ए नाउन क्लास का इस्तेमाल करना था, तो बड़ा ध्यान से देखिए, आई एम श्योर ऑफ इट, तो आई एम श्योर दैट, हम क्या करेंगे, पहले ये वाला सेंटेंस लिखेंगे, आई एम श्योर दैट, मैं आश्वस्त हूँ कि ही विल कम टूडे, वहाँ कल आएगा, बस सिंपल सा था, ठीक है। एज सुन एज द सनराइज द फॉग डिसअपियर्स, जैसे ही सूर्य उदय होता है तो जो फॉग है, जो धुंध है, वो छट जाती है, तो नो सूनर का यूज करना था, तो हम क्या लगाएंगे, एज सुन एज को हटा के नो सूनर लिखेंगे इसके स्थान पर, नो सूनर, फिर क्या लगाएंगे, डज द सनराइज, क्यों डज लिखा हमने, क्योंकि ये जो सेंटेंस है इसको हमको इंट्रोगेटिव बनाना है, तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का है, तो हमने क्या लगाया, डज द सनराइज का एस हटा दिया, क्योंकि इंट्रोगेटिव में क्या नहीं लगता है, एस नहीं लगता है, तो क्या लगा, नो सूनर डज द सनराइज देन, देन लिखेंगे द डॉग डिसअपियर्स। थर्ड है आई नो द प्लेस वेयर ही लिव्स, इसको आपको करना है कि ये कौन सा क्लॉज है, तो आई नो द प्लेस, मैं उस स्थान को जानता हूं वेयर ही लिव्स, वो जहां रहता है, तो वेयर ही लिव्स, है ना, आई नो द प्लेस वेयर ही लिव्स, मैं उस स्थान को जानता हूं, है ना, वो जहां रहता है, तो देखिए यहां पर क्या करना है आपको, वेयर ही लिव्स एक क्या आएगा, नाउन क्लॉज आएगा, ठीक है। मोहन इज द टैलेस्ट प्लेयर इन द टीम, तो मोहन क्या है, अपनी टीम में सबसे ऊंचा मैंने प्लेयर है, तो इसको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है, तो आप क्या करेंगे इसमें, नो अदर से स्टार्ट करें, नो अदर प्लेयर इज एज टॉल एज मोहन इन द टीम, ठीक है। पांचवा है डज नॉट लाइक टी, डज नॉट लाइक कॉफी, इसमें नाइदर नॉर का प्रयोग करना है, तो हम क्या लिखेंगे, ही नाइदर लाइक्स टी नॉर कॉफी, है ना। अब हमने लाइक्स क्यों लिखा, क्योंकि हम जब भी डज नॉट हटाएंगे तो वो हमें वापस एस हटाना, एस लगाना पड़ेगा, तो हमने क्या लिखा, ही नाइदर लाइक्स टी नॉर कॉफी, है ना, लाइक को डबल में नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे हम, ही नाइदर लाइक्स टी नॉर कॉफी, ओके। अब आगे बात करते हैं, दे आर टू यंग टू टेक पार्ट इन दिस कॉम्पिटिशन, अब आपको सो देट का यूज करना था, तो सो देट में हमने क्या लिखा कि यहां पर सो लगाया, तो दे आर सो यंग दैट They cannot take part in this competition. ऐसा बनाना आपको, ठीक है। चलिए अब सेक्शन डी की बात करें, तो सेक्शन डी में आपको क्या करना है, सेक्शन डी में चलिए कहाँ पर है हमारा सेक्शन डी,
इसमें क्या करना था आपको कि व्हाई डू यू डू दिस आई आस्क साहेब फ्रॉम आई इनकाउंटर एवरी, तो आपको जो ये साहेब वाला लेसन है ठीक है, इस लेसन में से ये एक्सट्रैक्ट आया था। अब इसके आंसर हम बता दें आपको, हु इज आई इन द एबव लाइन्स, तो अनीस जंग क्या है जो राइटर है इसके, वो इस पैसेज में आई है, तो अनीस जंग हो गया। विच चैप्टर हैज दिस एक्सट्रैक्ट बीन टेकन फ्रॉम, तो लॉस्ट स्प्रिंग। और व्हाट डज द वर्ड एमिज्ड मीन, एमिज्ड का अर्थ क्या होता है, तो एमिज्ड का अर्थ होता है बिल्कुल इन द मिडिल में। ओके चलिए बात करते हैं, व्हाई डज द वर्ड ग्लीबी मीन्स, ग्लीबी का अर्थ क्या होता है, तो ग्लीबी का अर्थ होता है सुपरफिशियली, है ना, सुपरफिशियल इसको हम लिखेंगे। और हिज होम इज नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी, व्हाट डज दिस स्टेटमेंट मीन, मतलब उसका जो घर है, हिज होम इज नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी, उसके मतलब जो है मेमोरी में है ना नहीं भी नहीं आता है, तो ही हैज फॉरगेटन हिज होम, ए वाला इसका सही आंसर आएगा। चलिए नाइन्थ वाले में देखते हैं, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स, तो माई मदर 66 वाले में से है ना लिया गया है ये, तो यहाँ पर इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ दिस लिटरेरी डिवाइस हैज बीन यूज इन द लाइन हर, है ना, तो इसमें कौन सा लिटरेरी डिवाइस है, तो इसमें सिमिली है। और फ्रॉम विच पोएम हैज द अबाउट टेक्स्ट बीन टेकन, तो माई मदर एट 66। और विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज मीन्स डेड बॉडी, तो कॉप्स होता है इसका अर्थ डेड बॉडी यानी कि शव, ठीक है कॉप्स होता है। और यहाँ पर बी वाले में देख लेते हैं, हु इज आई इन दिस लाइन्स, तो ए वाला आएगा इसका द टाइगर किंग। और हु स्पोक एट द एज ऑफ 10 days, तो ये भी टाइगर किंग है। और आगे है, व्हाट डिड द रॉयल इन्फेंट वॉन्ट टू नो, तो रॉयल इन्फेंट वॉन्ट टू नो क्या चाहता था वो, तो इसके लिए आएगा द एग्जैक्ट मैनर ऑफ हिज मैरिज, द एग्जैक्ट मैनर ऑफ हिज डेथ, और एग्जैक्ट मैनर ऑफ हिज लाइफ। ये क्वेश्चन तो भैया आपको करना है ना, ये आप मेरे को कमेंट में बताएंगे इसका क्या करके आए। और चौथा है, फाइंड आउट द सिनोनिम ऑफ अटर फ्रॉम द फॉलोइंग, अटर का अर्थ होता है कोई चीज है ना बोलना, एक्सप्रेस करना, तो टू स्पीक, टू एक्सप्रेस, टू लेट आउट, ऑल ऑफ दिस, है ना, तो ये सर आल आप दी जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आए वो आप करके आए होंगे, क्योंकि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, बहुत सारे लेसन का एक्सप्लेनेशन करके बता दिया। तो फ्रेंड्स आई होप आपको पेपर आपका बहुत अच्छा गया होगा और सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल गए हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।